थोड़े में समझे सयाने, को जान लेना चाहिए, उनके मुल्ला मौलवियों को ये चेतावनी है, इस प्रकार की घटनाओं को रोक दें, अन्यथा इसके बहुत बुरे परिणाम हिंदू समाज के द्वारा देखने को मिलेंगे जो वो सहन नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। एक समुदाय विशेष की तरफ से दूसरे समुदाय विशेष को टारगेट करके किलिंग की जा रही है, और उसी को लेकर यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जिनके दिलों में मन में गुस्सा है, और इसी गुस्से को यहाँ पर जाहिर करने के लिए वो सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में एक ज्ञापन लेकर आए। इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है, कि किस तरीके से जो कुछ सालों से कुछ दिनों से एक गलत माहौल क्रिएट किया जा रहा है उस पर इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे? आज आप सिटी मजिस्ट्रेट से मिलने आए हैं, एक ज्ञापन आप लोग लेकर आए थे, क्या कहना चाहिए? हम ज्ञापन के माध्यम से तो अपनी बात हम लोगों ने रख दी है, लेकिन आपके माध्यम से को समझाना चाहते हैं और देश में सबको बताना चाहते हैं। एक लाइन बोल के बतलाता हूँ, उसमें ही सारा सार छुपा हुआ है। मत छेड़ मेरा जोश, दबाया न जाएगा, सोला भड़क गया तो बुझाया न जाएगा। अगर ये अशांति इसी प्रकार फैलती रही और टारगेट किलिंग होती रही तो समाज अब चुप नहीं बैठेगा। फिर ईंट का जवाब, जैसे अभी पहले भी बताया, पत्थर से नहीं लोहे से दिया जाएगा। थोड़े में समझे सयाने, को ये जान लेना चाहिए, उनके मुल्ला मौलवियों को ये चेतावनी है, इस प्रकार की घटनाओं को रोक दें, अन्यथा इसके बहुत बुरे परिणाम हिंदू समाज के द्वारा देखने को मिलेंगे जो वो सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, हालांकि इनका कहा जा रहा, क्या कहेंगे, किस तरीके की मानसिकता बनती जा रही है? मैं उदयपुर भी गया था, उदयपुर की घटना भी पूरे देश ने देखी, उसके बाद तमाम घटनाएं ऐसी सामने निकल कर आ रही है। जगह जगह वाहनों पर एक लाइन लिखी मिलती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जी। और कभी बताया कि ये शांति प्रिय मजहब है, तो मैं इन सब मजहबी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये कौन से मजहब के लोग हैं जो इस प्रकार निर्मम हत्या करते घूम रहे हैं, बाकायदा आईडी देख करके चिन्हित करके कि ये हिंदू समुदाय से है, हिंदू वर्ग से है, और इनकी हत्या की जाए। तो मैं आपके पत्रकारिता माध्यम से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हमारा जो शास्त्रों में लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में कहा है कि धर्म की रक्षा और संस्कृति रक्षा करने के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो हम उनकी जो छुरी है ना, जो छोटी छोटी वो छुरी चलाते हैं, हम अपने खड़ग से और तलवार से उनका उत्तर देना जानते हैं, और सर धड़ से जुदा करना हम भी जानते हैं, परंतु हमें एक सामाजिक मूल्य, हमें एक अच्छा स्वस्थ समाज चाहिए, हम उन्माद नहीं बिगाड़ना चाहते, पहल वो करेंगे, अंत हम करेंगे। इनका कहना है मैडम, पहल वो कर रहे हैं और अंत हम करेंगे, लेकिन ये जो मानसिकता है, ये जो माहौल ख़राब करने की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, आखिर ये कौन सी मानसिकता है? मैंने इनसे भी यही सवाल किया था कि क्या है ये, एक देश में जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन टारगेट करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और फिर लास्ट में उसको कहीं ना कहीं मार दिया जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा उनको लग रहा है कि वो हमें इस तरह से धरा लेंगे तो ऐसा नहीं है। हम एक संस्कृति को, परंपरा को आगे ले जा रहे हैं बस। और जिस दिन मैं एक माँ हूँ और हम अपने बच्चों के लिए कितने दिन तक बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो ये ईंट जो काम वो लोग चाकू से कर रहे हैं वो मैं तलवार से करूँगी। और पूरे देश में ये आक्रोश है कि एक वर्ग को टारगेट करके मारा जा रहा है, आईडी निकाल के मारी जा रही है, क्यों? हम नहीं सहेंगे, अब अंत होना ही है इसका, और इस अंत के लिए सभी समझ जाएं क्योंकि परिणाम अच्छे नहीं होंगे इसके। परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्या कहेंगे? प्रशासन भी है देश में, सरकार भी है, प्रशासनिक लोग भी हैं, पुलिस है, लेकिन क्या है ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या आपको लगता है? शासन प्रशासन हमारे ऊपर ही लागू होता है, जहाँ हिंदुओं की बात आती है वहीं लागू होता है, उनके लिए नहीं होता है। अगर वो शासन प्रशासन नहीं देख रहे हैं, वो कानून के दायरे में रह के कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम भी स्वतः मजबूर होंगे। उनका भी, वो भी इसी भारत में रह रहे हैं, उनका भी यही कार्य है कि कानून के दायरे में रह के काम करें, लेकिन वो तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। यही कारण है कि वो हत्या करते जा रहे हैं और हम कानून को मान के यहाँ बैठे हैं। अब ऐसा आगे नहीं होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सिटी मजिस्ट्रेट जी के माध्यम से
ज्ञापन दे दिया गया है, पूरे भारतवर्ष में दिया जा रहा है बजरंग दल के माध्यम से। ये लास्ट है हम लोगों के लिए कानूनन व्यवस्था, इसके बाद हमें जो समझ में आएगा हम अपने हिसाब से करेंगे। क्या लगता, खौफ फैलाने की, खौफ बनाने की कोशिश की जाती है इस तरीके की घटनाएं करने के बाद? ये खौफ जो फैलाने की कोशिश मुस्लिम समुदाय कर रहा है, ये आज से नहीं कर रहा है, ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं बस। और हत्या एक नहीं हुई है, लव जिहाद देख लीजिए आप, और तो और खाना बेचते हैं, कुछ खाने की सामान मुस्लिम समुदाय का आदमी बेचता है तो उसमें थूक देगा, लघु शंका कर देगा, इस तरह के कृत्य ये लोग करते हैं जो कायरतापूर्ण हैं। और अब शासन प्रशासन इस पे एक्शन ले, वरना एक्शन इसके लिए हिंदुओं को लेना पड़ेगा। अब शासन प्रशासन एक्शन ले, आप लोग आए सिटी मजिस्ट्रेट से बातचीत भी हुई, उनको आपने ज्ञापन भी दिया, क्या बात हुई फिलहाल? आपके माध्यम से केवल इतना बात बताना चाहेंगे कि बजरंग दल ने आज से पहले भी एक संकल्प लिया था कि तेल लगा के डाबर का और नाम मिटाया बाबर का, और आज बाबर का नाम पर हिंदू समान संकुचित रहता नहीं है, संकुचित होता नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हुई है, हिंदू का जन्म नहीं हुआ इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो डरेगा नहीं, वो रोकेगा नहीं, ईंट का जवाब लोहे से देगा। तो ये तस्वीर जरा देख सकते हैं, हिंदू जो समाज के लोग हैं, सनातन को मानने वाले जो लोग हैं, बजरंग दल के, हिंदू रक्षा दल के, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा को ये लोग अपना ज्ञापन देने आए हैं कि भाई आप या समझा दीजिए, प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए, नहीं तो इस तरीके से जो माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, और जब एक्शन होगा तो इस माहौल को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।